छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिला में आज भी ऐसा गांव है जो विकास से कोसों दूर है। वहां के ग्रामीण आज भी आजादी के 74 साल बाद भी गड्ढों भरी मार्ग में चलने को मजबूर है। पिछले 30 सालों से सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, बावजूद इसके इन ग्रामीणों की मांगों पर जनप्रतिनिधि सहित सरकार ने भी इस गांव की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेढ़ी भद्रा के आश्रित ग्राम गोगरी टाणा की, जहां की जनसंख्या लगभग 250 से पार है और अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है। ग्रामीणों के अनुसार सारंगगढ़ से गिधोरी मुख्य मार्ग से बीच से ही गगोरी टाणा के जाने वाले एक ही कच्चे मार्ग हैं, जो गगोरी टाणा सहित और 5 गांवों को जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। विगत 25 से 30 सालों से इसी कच्ची मार्ग से ही आवागमन करते आ रहे हैं। जैसे ही बरसात के दिन आते हैं, यह मार्ग गड्ढों में तब्दील हो जाते हैं। इन गड्ढों भरे मार्ग में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए तो लाने के लिए भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन ग्रामीणों की माने तो इस गांव के कई मरीजों को इस मार्ग में अपनी जान गंवानी पड़ी है। बावजूद इसके इस मार्ग का पक्की सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि इस मार्ग को पक्की सड़क निर्माण करने के बारे में कई बार मांग की जा चुकी है, साथ ही साथ विधायक जनदर्शन में भी मांग रख चुके हैं, बावजूद इसके यह मार्ग अब तक नहीं बन सका। सभी ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। वहीं इस मार्ग को मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोड़कर पक्की सड़क निर्माण करने की मांग रखी गई है, ताकि इन ग्रामीणों को परेशानियां का सामना ना करना पड़े और इनकी सभी परेशानियां खत्म हो सके। छत्तीसगढ़ से संवाददाता राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। मोर नाम लीला भाई है सर। कौन गांव के आप मन? गगोरी टाणा के। कौन पंचायत में थे आप मन के गांव है? भद्रा पंचायत में। अच्छा, ये आप मन के गांव में और रोड की जो समस्या है, कबला समस्या है, वो का समस्या है? ये तो सदा दिन सदा बरसी हो गया साहब, समस्या से रोड के बने नहीं तो समस्या से। कैसे स्थिति है रोड की अभी? और इस स्थिति का है, रात बिकाल के बाल बच्चन बीमार पड़त है, सियान मन पड़त है, बुजुर्ग पड़त है, दिगलेरी उगलेरी वाला मन दरा दूरा धोवत है, ता कोई गाड़ी मोटर आए के साधन नहीं है सर यहाँ तो गगोरी टाणा में। तुम्हारे रोड के हालत कैसा हो गया इसने हवे जो? ये हालत है तो अब हवा तब सब पुरखौती से हालत है बिगड़े है सर। और एकर मांग कहाँ का करे आपने? मांग करे करे रही हवा, लेकिन महूल मालूम नहीं रही, महू बाहर में रहे हवा था, और साहब मन आते विधायक उधायक होते, कोई नेता आवा थे, कुछ कार्य हुआ थे टाणा में, जंती उन्ती बढ़ावा थे सर, हाँ बनाबो बनाबो कहते, कुछ बनाते नहीं करते, ध्यान ही नहीं। आप मन का चाह था वो? ये रोड पर तो चाहते हैं सर, ये रोड बनना चाहिए हमारे गगोरी टाणा। देखिए ये जो रोड है जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, ये देवसागर मंदिर होते हुए नुहरपाली बोईडी डैम तक जाती है, और यहाँ से 2 किलोमीटर में गगोरी टाणा गाँव है, जो पिछले 20-25 सालों से यहाँ कोई रोड जाने आने के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ रोड कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहीं से भी यहाँ रोड नहीं जाती है, एकमात्र रोड यही है देवसागर मंदिर रोड, जिससे गुजर के गांव वाले गगोरी टाणा जाते हैं। अब यहाँ का रोड इतना ख़राब है कि बरसात के दिनों में चलना दुर्भर हो जाता है, तो इसकी मांग हमने कई बार शासन प्रशासन से की है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ा जाए, मनरेगा से क्या कराया जाए, WPM जो भी किसी भी तरह से बन जाए, ये हमारी मांग हमेशा से चल रही है। अच्छा, वर्तमान में जो विधायक है, क्या आप लोग विधायक के पास भी प्रयास किए क्या रोड की मांग को लेकर के? जी जी बिल्कुल, उनके जनदर्शन कार्यक्रम में हम लोग गए थे बिलाईगढ़, मेरे गाँववासी थे और मैं भी था, हाँ हमने अपना ग्राम पंचायत टेढ़ी भद्रा के लेटर पेड से लिख करके दिए हैं और मांग किए हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि शासन का नियम जो है कि 250 से 500 जनसंख्या में 2 किलोमीटर तक अगर यहाँ जो है निवासरत हैं SC अनुसूचित जाति पूरा बहुल्य ग्राम है जो गांव है गगोरी टाणा, तो आज तक आज़ादी से लेकर आज तक इस गाँव जो है इतना तकलीफ में है रोड के लिए कि लोग बरसातों के दिनों में बीमारी में कई जने अपना दम भी तोड़ दिए हैं,
तो इसके लिए मैंने मांग किया है विधायक महोदय से, लेटर पेड में लिख करके दिए भी थे और उन मांग की है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जोड़ा जाए और जल्दी से जल्दी रोड को बनाया जाए सड़क। ये कितने गांव को जोड़ता है, गगोरी टाड़ा को छोड़ करके और कई गांव जुड़ते हैं? ये सरसीवा सारंगढ़ सूर्य नारायण मुख्य मार्ग से लेकर के नोहर पाली होते हुए ये जो देवसागर रोड है यहाँ से भड़गांव से जो रोड है वो बेला दुला हुआ निकला है उसमें जाके जुड़ता है और ये जो है चार पांच गांव को जोड़ते हैं। एक गगोरी टाड़ा है, देवसागर माता चौरा मंदिर है, नोहर पाली है, ये बोईडी होते हुए सीधा मुख्य मार्ग बेला दुला मुख्य मार्ग से जुड़ जाता है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 5 किलोमीटर होगा लगभग। 5 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, ये बताते हैं कि यहाँ जो देवी धाम है और गगोरी टाड़ा से मुख्य मार्ग है, ये बात सामने आ रही है, क्या वास्तव में है क्या? हाँ बिल्कुल, ये माता चौरा को जोड़ता है, देवसागर माता मंदिर तक गई है रोड, उससे और आगे गया है लेकिन ये मुख्य मार्ग कहा जाए तो देवसागर मुख्य मंदिर मार्ग ही कहा गया है इसको। इससे ही गुजर के गगोरी टाड़ा वाले लोग जाते हैं और जो अन्य जो गांव है 5 उनके लिए रास्ता और गया हुआ है लेकिन इस गाँव के लिए हमारे जो ग्राम पंचायत टीढ़ी भद्रा का गगोरी टाड़ा है उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता यही है जो एकदम कीचड़ से भरा हुआ है। आपका परिचय? मेरा परिचय है ग्राम पंचायत टेढ़ी भद्रा सरपंच प्रतिनिधि श्री हेतराम ठाकुर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.